हाँ जी गाइस, सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे। तो भाई आपको पता है, आपका भाई अभी इंस्टाग्राम पे आपके रिप्लाईज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भाई आया हूँ इंडिया के अंदर। अभी मेरे को 6-7 दिन हो गए इंडिया में आया हूँ, तो घर पे वैसे ही थोड़ा बहुत कम टाइम मिलता है, तो करके मैंने रिप्लाई नहीं किए। बट मैंने अभी 1-2 दिन में, पिछले दिनों में मैंने काफ़ी बंदों के रिप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो जो जिनके नहीं किए उनके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो भाई सबसे पहले आप सबसे पहले कमाई को ना देखें, पहले वहाँ के रूल को भी समझे। बाइक के कौन कौन से रूल है, सिग्नल तोड़ दिया कितना फ़ाइन आएगा, मैंने गलत पार्किंग कर दिया कितना फ़ाइन आएगा, ये चीज़ आपको एजेंट नहीं बताता, और ना आपको वो स्ट्रीट पे जो ब्लॉगर होते हैं ऐसे, जी भाई मैं इस राइडर के इतने ऑर्डर हुए, भाई साहब बताना आपके ऑर्डर कितने हुए, वो भाई साहब बोल रहे हैं मेरे तो 20 हुए हैं जी। तो आपने सोच लिया एवरीडे के 20 होते हैं, ऐसा नहीं होता। जो जेन्युइन बंदा है, जो राइडर है फिलहाल सूरत के अंदर वहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को 10 दिन हो गए मेरी एप्लीकेशन बंद किए हुए, ठीक है। अभी मैं काम करता आया हूँ, ठीक है, मुझे हाँ नॉलेज है, मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। अगर जिस फील्ड के बारे में जिस बंदे को नॉलेज है, उसी फील्ड के ब्लॉग देखें आप, उसी बंदे के ब्लॉग देखें। जो मुंह उठा के ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं उनके ब्लॉग ना देखें, वरना आपको नुकसान होगा, ठीक है। रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक आप वो पूछ रहे हो मेरे को, हम कमीशन बेस पे जाएं कि भाई आप जो ये फिक्स सैलरी पे जाएं, ठीक है। अगर आप भाई कमीशन पे जैसे पर ऑर्डर का आपको पैसा मिलेगा, आप इस काम में जाएँ, महीने के 450 ऑर्डर करती है ना आपने तालाबाद में, नून में, डिलीवरों में, 3000 दिरहम आपके कहीं नहीं जाते खाना पीना निकाल के। 3000 दिरहम के मतलब इंडिया के 70-80 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते आपके। अगर आप कमीशन पे जाओ, ऐसे जाओगे मतलब कि इसकी बेसिक सैलरी पे, मतलब कि जैसा यहाँ पर 2500 दिरहम 3000 दिरहम दे रहा है, ठीक है, फिक्स सैलरी पे जाओगे, फिक्स सैलरी में 2500 दिरहम देगा, वो आपको एक बार बोलेगा कि खाना मेरा है, रहना मेरा है। बट भाई 2500 दिरहम कोई बंदा सैलरी दे, मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे भेज दो उसके साथ, 2800 दिरहम मुझे सैलरी दे दे, खाना पीना रहने दे दे मुझे, मैं आराम से ऑर्डर करूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। बट भाई इस चीज़ में बेनिफिट नहीं, आगे जाके वो उल्लू काट देगा आपका, बोलेगा भाई सॉरी यार ये ऑफ़र था या कुछ और था, ऐसा कुछ बोल के आपको उस चीज़ से हटा देगा, और आपको बोलेगा 2500 दिरहम सैलरी है, खाना पीना रहना आपका है। आप सभी राइडर से पूछ लो खाना पीना उनका होता है, आपके एजेंट ने ऐसा बोल दिया होगा, हाँ हालांकि होता है, आप पूछोगे किसी राइडर से वो बोलेगा खाना पीना रहना सब राइडर का होता है। तो 2800 दिरहम में से भाई आप क्या सेव करोगे, क्या खुद बचाओगे, कम से कम 4000 दिरहम का काम होता है ना, तब आप 1000 दिरहम खर्चा आ गया, ठीक है। उसमें पेट्रोल, खाना पीना, रहना सब अपना है, बाहर के खर्चे बहुत हो जाते हैं, सिम का खर्चा हो जाता है, ठीक है। डाटा कंपनी देता है 1 GB, वो 8 GB डाटा देता है महीने में, उसके अलावा फैमिली से बात करते हो, घर पर बात करते हो, एवरीथिंग सबसे बात करते हो ना, तो डाटा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें भी मैटर करती है भाई। 2800 दिरहम में कुछ नहीं होता और ना कोई देता, 2800 दिरहम अगर फीस सैलरी किसी को देता हो और खाना पीना रहना देता हो तो बंदा खुशी खुशी से रहे वहाँ पे, 2800 वो हो गया, 300 दिरहम टिप हो गया, 3100 रुपये बनते हैं, आई बात समझ में, खाना पीना वो दे दो, तो भाई कोई भी नहीं देता ऐसे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें, ऐसे ना जाए पैसे दे के। आप सिर्फ, मैं आपको एक ही आइडिया देता आया हूँ हमेशा से, आपको साफ़ सुथरा काम है, विजिट लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करती है कंट्री, आप विजिट पे जाएं, जॉब सर्च करें, जो पसंद जॉब आए वो करें। अभी देखो, अभी एक मैं बंदा हूँ, मुझे चलो ठीक है मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई कंप्लीट, ठीक है, मेरी हाफ छोड़ी हुई है ग्रेजुएशन, डिग्री वगैरह कुछ की हुई है, वैस्टिक डिप्लोमा वगैरह, ठीक है, ऐसे धंधे की हुए। जिस बंदे की यार ग्रेजुएशन की हुई है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है, वो बंदा उस काम में जाएगा ना, वो बंदा वहाँ पर जाके घबरा जाएगा भाई शुरू में, भाई यार मैं बाइक कैसे चलाऊंगा, ये आगे स्पीड ही बहुत है बाइक की, तो ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, इंडिया वाला सिस्टम नहीं है, मिनट में फ़ाइन आ जाता है 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का, अपने इंडिया के हिसाब से 12000 दिरहम का नहीं, इंडिया के हिसाब से 12-13 हज़ार दिरहम मतलब कि पैसों का फ़ाइन आ जाता है भाई। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता पहले, शुरू में वहाँ पर जाने से पहले, गलत पार्किंग आपने पार्क कर दिया, 150 का फ़ाइन दे के चल गया, फ़ाइन 150 दिरहम का फ़ाइन दे के चल गया, आपका तो 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, एक दिन का दिहाड़ी चल गया आपका, पता है ये चीज़ें भी होती है। तो आप कमीशन बेस पे जाएं हमेशा, कि मेरे को पर ऑर्डर का पैसा चाहिए मेरे को, और मेरे को कंपनी कौन कौन सा, मैंने बताया आपको तालाबाद, डिलीवरो, नून, इन कंपनी में लगना है मेरे को, तीनों में से एक कंपनी मेरे को ज्वाइन करवा दें, क्योंकि तीनों कंपनी में 200-300 दिरहम का कुछ इतना बड़ा इशू नहीं होता, 200-300 दिरहम का, बट उसमें इशू एक यही होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तालाबाद एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप अपनी मर्जी से शिफ्टें उठा सकते हो, एवरी टिप शो होती है आपको, अर्निंग शो होती है,
सब कुछ शो होता है उसके अंदर। बट ये जो डिलीवरो है और जो नून है, नून के अंदर क्या होता है ना, टिप का थोड़ा मसला है, सभी राइडर बोलते हैं, जो मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी है, ठीक है। बट तालाबाद के अंदर ऐसा सीन नहीं है बिल्कुल भी। और शिफ्ट का सबसे बड़ा मसला है, वो 6 घंटे की शिफ्ट अभी दे दिया आपको, 6 घंटे का शाम को दे दिया, 6 घंटे का आपको ऐसे नाइट का दे दिया, ऐसा सिस्टम है तालाबाद के अंदर। खुद शिफ्टें उठाओगे कौन से शिफ्ट में घंटे में आपको काम करना है, बट दूसरी कंपनियों के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो खुद शिफ्टें सेलेक्ट करके आपको भेजते हैं। बस तालाबाद के अंदर यही बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो कमीशन बेस पे काम करें, फिक्स सैलरी पे किसी के पास ना जाएं, आपको झूठ बोल के लेके जा सकते हैं वो, ठीक है, और उनको पैसा ना दें। साफ सुथरा काम है, विजिट पे जाएं, चुपचाप अपना जॉब ढूंढें और उस फील्ड को चूज़ करें। और एक्सपेंस मैंने हमेशा बताया हुआ है मेरे दूसरे ब्लॉग के अंदर, मैं फिर भी बता देता हूँ, घर से आप विजिट लेके चले गए, वहाँ जाके कम से कम मान के चले आपके 1,00,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक आपके पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तालाबाद ज्वाइन करने के लिए। तालाबाद डिलीवरी और नून कुछ भी कंपनी, एस्टिमेट बताया मैंने आपका, ठीक है। रहना खाना पीना हो सकता है कंपनी दे, वरना रहना तो आपको देगा, अगर लाइसेंस प्लस वीज़ा देगा तो वो, ठीक है। और बाइक वगैरह सब वो प्रोवाइड करेगा कंपनी आपको, यूनिफॉर्म वगैरह एवरीथिंग वो देंगे आपको, बस आपको काम करना है। और आप जो भाई पूछ रहे हैं कि दुबई के अंदर सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है ड्राइविंग स्कूल, तो भाई देखो एक दुबई नहीं है, आपका कोई पता नहीं है, आप उमल कमीर में रहो कहाँ पता नहीं, आप दुबई में रहो चाहे आप इधर रहो शारजा में रहो अजमान में रहो फुजेरा में रहो, तो जो भाई आपके पास आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास में कौन सा स्कूल है जो अच्छा है। अभी एक अच्छा स्कूल मानो, अभी मैं बता दूं आपको, उमल कमीन के अंदर एक ड्राइविंग स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, बट आप दुबई में रह रहे हो तो वहाँ पे जाके आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते, ठीक है। वहाँ पे पंजाबियों का स्कूल है, आप नहीं बनवा सकते वहाँ पे लाइसेंस। अभी दुबई के अंदर है वो एक, उसका नाम क्या है, दो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं दुबई के अंदर जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। मुझे बेसला पता नहीं ऐसा, बैसला, हाँ बैसला ड्राइविंग स्कूल है जो एक बहुत अच्छा स्कूल है बैसला, ठीक है। ऐसे करके भाई काफ़ी सारे स्कूल हैं जो अच्छे हैं, मैं ऐसे एक फिक्स नाम भी नहीं ले सकता और मुझे याद भी नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो आप जो आपके पास में हो उसमें आपका किराया भी कम लगेगा जाने में, एवरीथिंग बचेगा आपको, टाइम बचेगा आपका, किराया बचेगा, दूर कहीं जाओगे अच्छा देख के तो ऐसा सिस्टम नहीं हो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया वही कॉन्ट्रैक्ट रहे आपका, चाहे ड्राइविंग स्कूल में हो चाहे कहीं और हो, ठीक है, चेंज नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बार बार, एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3,000 में लाइसेंस बनवा के दे रहा है, अगर आप कितनी बार दफ़ा फेल हो रहे हो क्या हो रहे हो, आपकी बात हुई है उसके साथ वो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलो उसको बाद में ये नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था, वो आपके रिटर्न है वहाँ पे सब कुछ कि आपको किस ऑफर के अंदर ये लाइसेंस बनवाने के लिए दिया गया है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। आप ऐसे मुंह उठा के यहाँ से पैसे दे के एजेंट को मेरे को ये लगवा दे, वहाँ पे जाके आप ट्रैफिक देख के घबरा जाओ। अभी कई बंदे मैंने ऐसे देखे लाइसेंस बनाने, भाई मेरे को तो डर लगता है यार बाइक रोड पर लेके जाता हूँ तो मैं, क्या इलाज है इस चीज़ का, कोई इलाज है इस चीज़ का, कोई इलाज नहीं है। अभी कम उम्र के लड़के हैं जो 18-18 क्रॉस हुए हैं, 19 क्रॉस हुए हैं, 21 पे हैं, वो बंदे ऐसे सोच रहे थे मैं चला लूँगा जी पैसे के लालच में, बट इतना भी इजी नहीं है बाइक ड्राइविंग, इंडिया के अंदर इजी है वहाँ पे इजी नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें अच्छे से। इसके अलावा आपका कोई सवाल जवाब हो मुझसे पूछ लें, सैलरी अगर सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि सैलरी के भाई आप प्रूफ दिखा दो कैसे है, तो सैलरी की स्लिप के वीडियो पड़े हैं मेरे पास बनाए हुए जो मेरे ब्लॉग के अंदर डाले हुए हैं मेरे, ठीक है। और भी मेरे सैलरी के हैं मेरे पास, पूरा फ़ोन में मेरा बुक है वो एप्लीकेशन के अंदर, कौन से मंथ में कितना अर्निंग हुआ कितना टिप हुआ। तो भाई जो ब्लॉग अपना जाता है ना वो एकदम 100% ओरिजिनल जाता है। और जिस भाई को मुझसे मिलना है तो मैं भाई गंगानगर एरिया में हूँ राजस्थान के, ठीक है, कोई मिलना चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, वो अपने से मिल ले, मैं उसको और गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जो चीज़ है वो जेन्युइन है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी ऐसे घटिया वीडियो देख के घर से निकलने की पैसा दे के जाने की कोशिश ना करें, ठीक है, इतना इजी नहीं है आगे जाके, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर दिया करें लाइक, कमेंट करके बता दिया करें आपको वीडियो कैसी लगी, ये मेरी आदत है हमेशा से मैं पीछे बोलता होता हूँ बाद में, और ऑलमोस्ट ब्लॉगर है जो पहले बोलते होते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करोगे सब्सक्राइब, नहीं लगेगा तो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई, बाय बाय।